हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्वेश्चन देख के समझ आ गया कितना खतरनाक है, राइट। तो आ जाओ अच्छे से सॉल्व कर दे, राइट। अब इसमें क्या डील अपने को मालूमगा, ऑथराइज को छोड़ दो, प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख, मतलब कंपनी क्या कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिटर्न कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर को रिटर्न करने के लिए कंडीशन क्या दिया मालूमगा, सबसे पहला तो इधर दिया है, क्या दिया मालूमगा, 2 रुपया पर शेयर प्रीमियम दे रहे, और इन्वेस्टमेंट 80% में बेचा, मतलब लॉस में बेचा, और इक्विटी शेयर जो बेचा ना, ये अपने को ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड द इक्विटी शेयर। और कंडीशन क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में 25,000 होना चाहिए, मतलब अगर इधर 2 लाख बैलेंस है तो 25,000 मेंटेन करना है, बाकी का पूरा CRR में इस्तेमाल करना है। ये बोनस भी दिया है, ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है। तो बेसिक से एकदम अच्छे से भी हम लोग क्या कर देंगे, सबको स्टार्ट कर देंगे, ताकि तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट एंट्री क्या है प्रेफरेंस शेयर की, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या लिखेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अपने पास प्रेफरेंस शेयर आ रहा है, उस पर कंपनी क्या दे रही है, प्रीमियम दे रही है, क्या दे रही है, किसको दे रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रीमियम कितना बोला, नॉट परसेंटेज दिया है, 2 पर शेयर, क्या बोला है, मतलब एक शेयर पे 2 रुपया। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कितना है, 2 लाख। देखो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, तो उसको पहले डेबिट करेगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या लिख दिया, 2 लाख। और देखो ना इधर शेयर्स दिया है, अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, एक शेयर 10 का है, एक शेयर कितने का है, तो ये 2000 है, राइट। तो 2000 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा 20,000, कितना मिलेगा, 20,000। तो कंपनी प्रीमियम कितना दी मैंने, मैं क्या, 2 रुपया पर शेयर, तो ये 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 प्रीमियम हो जाएगा, कितना प्रीमियम हो जाएगा, 40,000। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उस पर प्रीमियम दे रहे 40,000, किसको देने का है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टोटल 2,40,000 पे करना है, कितना पे करना है, 2,40,000। तो ये हो गए ड्यू की एंट्री, किसकी एंट्री होगी अपनी, बींग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उस पर प्रीमियम देना है, किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। पर इसके लिए कंपनी ने क्या बेचा है मालूम है क्या, अपना इन्वेस्टमेंट बेचा है 80% पे, मतलब जो 100 रुपये का था उसको 80 में बेचा, मतलब 20 रुपया लॉस हुआ, तो 20 रुपया मतलब 20% लॉस हुआ, कितना परसेंट, 20%। तो इन्वेस्टमेंट देखो 2 लाख का था, कितने का था इन्वेस्टमेंट, 2 लाख, तो 2 लाख को उन्होंने कितने में बेचा, 80% में, कितने परसेंट में बेचा, 80%, तो मतलब 1,60,000 में बेचा ना। तो एंट्री कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है अपने पास से और इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, इन्वेस्टमेंट कितना क्या था, 2 लाख, और कितना परसेंट में भेजा, 80%, मतलब 1,60,000 आ रहा है। तो अपने पास 40,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस को किधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, और डेबिट में लिखेंगे, किधर लिखेंगे, इसके पहले हर एंट्री में फ़ायदा हो रहा था इसलिए PNL क्रेडिट हो रहा था, अब इसमें लॉस हो गया इसलिए PNL किधर आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, पर लॉस हुआ इसलिए PNL क्या कर दिया मैंने, डेबिट कर दिया। तो ये हमने ये वाली एंट्री पास कर दी, राइट, सिंपल। अभी इन्होंने शेयर इक्विटी शेयर इशू किया है और उसके बाद प्रीमियम कितना लिया, 40 पर शेयर, मतलब एक शेयर इक्विटी का 100 रुपया है तो 40 रुपया एक्स्ट्रा लिया उन्होंने, पर कितना शेयर बेचा वो नहीं दिया, ओके, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया। तो पहले एंट्री लिख लेते हम लोग, तो एंट्री क्या है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर जा रहा है ना अपने पास से, इक्विटी शेयर कैपिटल, और हम एक्स्ट्रा पैसा ले रहे तो इधर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया ही नहीं है, तो ये अभी अपने को ढूंढना पड़ेगा, तो कितने का शेयर इशू किया, तो फिर अपना फॉर्मूला क्या है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो रिजर्व क्रिएट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माइनस फ्रेश इक्विटी इशू है ना, तो अपने को देना 2 लाख है, देना कितना है, 2 लाख। अभी इधर ढूंढना क्या अपने को, फ्रेश इक्विटी इशू, ये ढूंढना है, क्या ढूंढना है, फ्रेश इक्विटी इशू। तो ये CRR मतलब अपने पास जमा किया पैसा कितना है घर से, तो ये सॉल्व करके जो पैसा आएगा वो हम लोग इस्तेमाल करने वाले, मतलब 2 लाख देना है तो अपने घर में कितना पैसा, उधर से भी अपन कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो आ जाओ, तो बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लाख रुपये है, कितना बैलेंस है, 2 लाख, सिंपल। प्रॉफिट में कितना अपने पास, 2 लाख है, पर अभी अपने को इधर इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ, अगर फ़ायदा होता तो ऐड करते, लॉस हुआ ना, कितना लॉस हुआ, 40,000, तो 2 लाख में से 40,000 कम हो जाएगा, तो अभी अपने पास 1,60,000 बचेगा, कितना बचेगा, 1,60,000। और इधर टेबल में ना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, मतलब ये प्रीमियम देना पड़ेगा ना अपने को 40,000, तो प्रीमियम देने के लिए भी पैसा नहीं है, 40,000 अपने पास प्रीमियम देने के लिए पैसा, तो वो भी साइड में निकाल के रखेंगे, 40,000 कम कर देंगे, तो 1,60,000 में से 40,000 गया, अभी अपने पास कितना बचेगा, 1,20,000, कितना बचेगा, अभी अपने पास घर पे 1,20,000, और देना कितना इसको, 2 लाख। पर इधर कंडीशन क्या दिया है कि
विद रिगार्ड टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर द क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड बी 25,000। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना बैलेंस मेंटेन होना चाहिए 25,000। सब पैसा लेके जाओ पर 25,000 रखो, तो बैलेंस कितना रखना है पीएनएल में? 25,000। तो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 25,000। ओके, इतना बैलेंस तो मेंटेन करना है। तो फिर बचा कितना? 95,000। बचा कितना? 95,000। तो ये 95,000 हम क्या कर रहे हैं? घर से उठा रहे हैं। तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना लिख देंगे? 95,000। कितना लिख देंगे हम लोग? 95,000। ओके, तो अपने को देना था 2 लाख। कितना देना था? 2 लाख। और घर के अंदर कितना है? 95,000। तो जो बचेगा वो हम लोग पैसा कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे? इक्विटी शेयर इशू करके। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मालूम है? ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस। 2 लाख था, ये प्लस इधर आएगा तो इधर क्या कर दो? माइनस कर दो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1,05,000। शाबाश, 1,05,000 आएगा। कितना आएगा? 1,05,000। ये रुपीस हो गया। क्या हो गया? रुपीस। तो अभी 1,05,000 है, राइट। एक शेयर कितने का है? देखो, इक्विटी शेयर 10 का है कि 100 का है? 100 रुपया। एक प्रेफरेंस शेयर 10 का है ना। इक्विटी शेयर का प्राइस क्या है? फेस वैल्यू 100। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 100 फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे ना। तो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा 1050। कितना मिलेगा? 1050। तो उन्होंने कितना शेयर इशू किया मालूम है क्या? 1050। नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया? 1050। और एक शेयर कितने का था? 100 का था। और एक्स्ट्रा कितना रुपया लिया? 40। अब लाइन समझ में आएगा। इशूड एट प्रीमियम, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लिया। कितना रुपया एक्स्ट्रा लिया? 40 पर शेयर, मतलब 40 रुपया एक्स्ट्रा लिया। तो 100 का शेयर था, 40 रुपया एक्स्ट्रा लिया, राइट। तो इसको इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने को कितना मिलेगा? 1,05,000। कितना मिलेगा? 1,05,000। और उसको किससे कर देंगे? अभी 40 से कर देंगे। तो 40 से कर देंगे तो 42,000 आएगा। कितना आएगा? 42। तो टोटल कितना रुपया आ रहा है अपने पास? 1,47,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया, बैंक अकाउंट क्या किया? डेबिट। और इक्विटी शेयर इतना इशू किया और सिक्योरिटी प्रीमियम दिया। तो खेल में क्या समझ में आया मालूम है क्या? अपने पास 2,00,000 रुपया था। कितना था? 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में था, जिसमें से 40,000 अपना लॉस हो गया। 40,000 क्या हो गया? लॉस। और 40,000 प्रीमियम का निकाला और घर पे 25,000 मेंटेन करने गया, तो इतना बैलेंस बचा। अपने को देना कितना था मालूम है? 2 लाख। देना कितना था? 2 लाख। तो ये बैलेंस का हमने एक शेयर इशू किया है ना, 1,05,000 का। और एक शेयर कितने का था? 100 का। एक शेयर कितने का था? तो नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1050 शेयर्स। ओके, ये पूरा खेल था, एकदम खतरनाक वाला समझा, राइट। अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो हमने कितना रिजर्व क्रिएट किया मालूम है? 95,000। कहाँ से उठाया 95,000? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखेंगे? तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिजर्व इज बीन क्रिएटेड ऑफ 95,000। तो कहाँ से क्रिएट किया हमने? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, जनरल रिजर्व रहेगा तो जनरल रिजर्व लिखेंगे, राइट। तो हमने क्या किया? ये 2 लाख का सेटलमेंट कर दिया, राइट। अभी प्रीमियम कितना देने का? 40,000। प्रीमियम कितना देने का? 40,000। ये डेबिट है तो किधर आ जाएगा? क्रेडिट। डेबिट है तो किधर आएगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट में लिख दिया। तो ये 40,000 का प्रीमियम कहाँ से पे करेंगे? वो भी हम लोग कहाँ से दे रहे? प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ना, 40,000 निकाल करेगा ना, इधर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रहता तो सिक्योरिटी प्रीमियम देते थे, तो प्रीमियम में तो बैलेंस ही नहीं है, इसलिए कहाँ से उठाया था? प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए 40,000 भी क्या हो गया? सेटल हो गया। अभी अपने को क्या देने का? 2,40,000। किसको देने का है? प्रेफरेंस होल्डर फॉर देयर पेमेंट। तो 2,40,000 पेमेंट करने का, राइट। तो 2,40,000 अभी हम लोग पेमेंट करेंगे, तो ये क्रेडिट है ना इधर, तो इधर आके डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और पेमेंट करें तो पैसा जा रहा है, तो क्या आएगा? टू बैंक, प्रेफरेंस होल्डर्स टू बैंक। कितना अमाउंट पे करने का था? 2,40,000। तो डेबिट 2,40,000 क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उस पर प्रीमियम दे रहे टू प्रेफरेंस होल्डर। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। किसकी एंट्री हो गई? ड्यू है ना। फिर बैलेंस रिजर्व में तो CRR क्रिएट किया, क्रिएशन ऑफ CRR, क्रिएशन ऑफ CRR। फिर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम पे किया और फिर प्रेफरेंस होल्डर का पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेमेंट। तो कैसे बोला? ड्यू, CRR, प्रीमियम, पेमेंट। ड्यू, CRR, प्रीमियम और पेमेंट। तो ये 6 एंट्री तो तुमको खेलना था। और इक्विटी शेयर नहीं किया, इक्विटी शेयर नहीं था तो वो भी ढूंढ लिया। अभी भी खेल खत्म नहीं, अभी कंपनी ने बोनस शेयर दिए। क्या दिए? तो फ्री में शेयर बांटी। देखो, इशूड एज बोनस इक्विटी शेयर एट पार, मतलब पार मतलब जितने का उतने में दिया। रेट क्या दिया? 1 share for 20 share हेल्ड, मतलब एक शेयर दे रही है 20 के बदले, मतलब जिसका 20 शेयर है उसको एक शेयर, मतलब 20 चॉकलेट को एक कैडबरी। तो 40 चॉकलेट रहेगा तो 2 कैडबरी, 60 चॉकलेट रहेगा तो 3 कैडबरी। तो व्हाट इज द रेशियो? 1 share for 20 share हेल्ड। हेल्ड में क्या बोला? ऑन 31 मार्च 2017। तो ये 2017, मतलब इधर कितना शेयर था? 5,000 शेयर। कितना था? 5,000। तो उसके ऊपर ही बोनस दिया, मतलब ये फ्रेश इशू है ना, इसको नहीं जोड़ना है। अगर मतलब हेल्ड और अभी फ्रेश दोनों बोला रहता, दोनों को ऐड करते हैं। इधर ऐसा क्या बोला? जितना था ना
वो बेसिस पे दिया। तो उनके पास शेयर कितना हेल्ड है, 5000 शेयर। शेयर कितना हेल्ड है, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग 5 है। और कितना रेट इशू कितना किया, 1। तो इशू मतलब ऊपर आएगा, और हेल्ड कितने के बदले हेल्ड किया, 20। तो हेल्ड वाला नीचे आएगा, मतलब 20 के बदले 1 दिया, 20 के बदले 1। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 250 शेयर बोनस बांटा। कितना शेयर बांटा, 250 शेयर ऑफ बोनस शेयर। और बोनस शेयर को हमेशा फेस वैल्यू लेने का, क्या लेने का, तो 250 शेयर तो दिया, और एक शेयर 100 रुपये का था, एक शेयर कितने का था, 100 का था, तो 25,000 का बोनस शेयर क्रिएट किया, फ्री में बांटा, है ना। तो कंपनी क्या कर रही है, बोनस शेयर दे रही है, राइट। तो कहाँ से देती है बोनस शेयर, CRR से, उसको बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जो रिजर्व क्रिएट करती है ना कंपनी, ये रिजर्व इधर से बोनस शेयर बांटती है, जमा किया पैसे को घुमाती है। तो CRR का पैसा जा रहा है इसलिए डेबिट करेंगे, और क्या बांट रही है, बोनस किसको बांट रही है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो कैसे याद करेंगे, CRR टू बोनस, बोलो CRR टू और बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना शेयर दिया, 250 शेयर दिया, और एक शेयर कितने का था, 100 का था, तो कितना हो गया, 25,000। तो 25,000 डेबिट करेंगे, 25,000 क्रेडिट करेंगे, इधर भी 25,000 डेबिट करेंगे और 25,000 क्रेडिट करेंगे। जब भी बोनस बोला रहेगा ना, तो ये दो एंट्री लिख देने का तुमको, बोनस बोला रहेगा तो दो एंट्री तुमको क्या करेंगे, लिखें बिंग अमाउंट यूटिलाइज फॉर बोनस इशू, बिंग अमाउंट यूटिलाइज फॉर बोनस इशू, और बिंग बोनस शेयर इशू। बोनस शेयर क्या किया हमने, इशू किया, तो शेयर कैपिटल से जा रहा है, बोनस मिल रहा है शेयर होल्डर को, है ना, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, उनको रिसीव किया, डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल से गया। तो इस तरह तुम्हारा ये खतरनाक वाला सम खत्म हो गया, राइट। ये था तुम्हारा बोनस इशू, क्या वाला सम था तुम्हारा, बोनस इशू। तो एग्जाम में कैसे भी सम घुमा फिरे गया आएगा, तो आपको रेडी रहने पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।